बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। लेजर लाइट, लेजर बीम, तेज लाइट, ड्रोन पर इलाके में रोक लगा दी गई है। फायरवर्क्स, शावर पर भी इलाके में रोक लगा दी गई है। राजा भोज विमानतल पर विमान उतारने में दिक्कत हो रही थी, पायलट की दिक्कतों की वजह से प्रशासन ने यह कड़ा फैसला किया है। लाल घाटी से संतनगर, बैरागढ़, मुबारकपुर, करोंद चौराहे तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। विमानतल प्रबंधन के पत्र के बाद प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है। विवाह समारोह और बाकी आयोजनों के दौरान भी ये छूट नहीं मिलेगी, तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और आपको ये बता दें कि रात में पायलट्स को रनवे की लाइट्स का ही सहारा होता है, जिसके जरिए वो अपने कंपस और नेविगेशन और लाइट के सहारे ही उतरते हैं। और ऐसे में जब शादी विवाह या बाकी चीजें होती हैं तो उसमें पायलट डिस्ट्रैक्ट होता है, गलत जानकारियां मिलती हैं। अमृतांशी मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतांशी, अब तक ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है। सैकड़ों जिंदगियां विमान में उड़ रही होती हैं उस वक्त, और एक छोटी सी चूक बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती है। बिल्कुल, लेकिन जब कोई वीआईपी मोमेंट होता था आसिफ, तब ही जो है एक तरीके से ये जो तमाम निर्देश है वो लागू रहते थे। लेकिन जाहिर तौर पर अब सुरक्षा कारणों से ये चीजें बहुत जरूरी है। ये भले ही जो है काफी देरी से हुआ है, लेकिन बहुत पहले हो जाना चाहिए था और काफी ज्यादा जरूरी भी है। अब जो आदेश जारी हुए हैं भोपाल एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में लेजर लाइट, लेजर बीम, तेज लाइट, ड्रोन, फायरवर्क, शावर पर जो है वो रोक लगी है। जाहिर तौर पर देखिए, अगर कोई प्लेन लैंड हो रहा है या फिर कोई पायलट को है, इससे काफी ज्यादा और कंफ्यूजन हो सकती है। ये पूरा एक तरीके से हम कह सकते हैं तो लाल घाटी, संतनगर, बैरागढ़, मुबारकपुर, करोंद चौराहे तक प्रतिबंध रहेगा। विमानतल प्रबंधन ने इसको लेकर एक पत्र जारी किया था। ये देखिए, फिलहाल मालूम नहीं है कि कितने समय पहले ये पत्र जारी किया गया था या फिर ये पत्र जो है वो कितनी बार जारी किया जा चुका है, लेकिन अब ये पत्र जारी हुआ है तो जाहिर तौर पर इसको जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं सरकार ने सीरियसली लिया है। बहुत जरूरी था और शायद यही वजह रही है कि इसको लेकर पत्र जारी किया गया है। हालांकि सुरक्षा कारणों से एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत जरूरी था, काफी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा देरी से हुआ है। लेकिन अब शायद जो है वो और भी ज्यादा मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाएं इसके बाद देखने को मिलेंगी। जी जी, अमृतांशी आप बने रहे हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे थे, जहां प्रशासन ने नया आदेश निकाला है। और ये आदेश राजा भोज एयरपोर्ट के आसपास के तमाम इलाकों के लिए है कि वहां लेजर लाइट, लेजर बीम, तेज रोशनी, फायरवर्क्स, इनकी इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि पायलट डिस्ट्रैक्ट होता है और उन्हें प्लेन उतारने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। भोपाल से इस वक्त